हेलो दोस्तों, आप लोग का अपने चैनल दोस्त आई के पे स्वागत है। मैं एजे हमेशा की तरह इस बार भी एक मज़ेदार वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो वीडियो है एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट के लिए, या जो 12 में सोच रहे हैं कि एग्रीकल्चर से हम ग्रेजुएशन करेंगे उनके लिए भी है। अगर आपके कोई मतलब रिलेशन वाला भी किया है तो उसके यहाँ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग जॉब के बारे में बताएंगे कि एग्रीकल्चर करने के बाद कौन कौन से जॉब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। अब बात की जाए फर्स्ट नंबर पे जो पोस्ट आती है वो पोस्ट है FRO, ध्यान से सुन लीजिएगा, FRO यानी कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की पोस्ट होती है। इसमें सैलरी की बात की जाए तो जो सैलरी होती है 45,000 से लेके 55,000 तक होती है, और यह राज्य सरकार की जॉब होती है, यह केंद्र सरकार की जॉब नहीं होती है। अब बात की जाए इसके वर्क में कि इसका क्या काम होता है, तो इनका यही काम होता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो मतलब कि कुछ काम हो रहा है उसकी देखरेख करना, लेन देन करना। अब जो सेकेंड नंबर पे जॉब आती है, ध्यान से सुनिए, जो सेकेंड नंबर पे जॉब आती है वो मेरी फेवरेट है और आपकी भी होनी चाहिए, UP SSC की यह जॉब है, यानी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की यह जॉब है, और यह राज्य सरकार की जॉब होती है, यह राज्य सरकार ही जॉब लाती है। अब बात की जाए कि मतलब सैलरी कितनी है, तो सैलरी की बात की जाए तो 28,000 से लेके 35,000 तक होता है, और इसमें आपको ग्रेड पे भी मिलेगा। ग्रेड पे जैसी आपकी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेड पे भी दिया जाएगा। इसके वर्क की बात की जाए तो एग्रीकल्चर विभाग में होने वाली जो काम होती है उनको देख रेख करना, नियम बनाना, यही सब होता है। मतलब ये एग्रीकल्चर के मुख्य पॉइंट, मतलब ये मेन ऑफिसर का पोस्ट होता है। थर्ड नंबर पे जो जॉब आती है वह है JAA, ध्यान सुन लीजिएगा, जो थर्ड नंबर पोस्ट आती है वह JAA यानी कि यह जो जॉब है SBI निकालती है, जूनियर एग्रीकल्चर असिस्टेंट की यह पोस्ट होती है, या SBI बैंक द्वारा वैकेंसी आती है। और जो आपको टोटल मैं पोस्ट बता रहा हूँ वो सब गवर्नमेंट जॉब है। अब इसकी सैलरी की बात की जाए कि इसकी सैलरी कितनी है, तो 35,000 से लेके 45,000 तक होती है, और पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको ग्रेड पे भी मिलता है, तो ग्रेड पे जोड़ दिया जाए तो सैलरी लगभग 50,000 तक पहुंच जाती है। अब इसके वर्क के बारे में बात की जाए तो इसका वर्क क्या काम होता है, किसान भाइयों को लोन देना तथा उनका रिकवरी करना तथा उनको क्रेडिट कार्ड देना, उनको कार्ड देना, सहायता करना, जो किसान जो सरकार किसान के लिए लोन निकालती है उसको बताना, घूम घूम के यही सब इनका काम होता है। और फोर्थ नंबर पे जो पोस्ट आती है वो मेरी भी फेवरेट है और आपकी भी होनी चाहिए, क्योंकि जो फेवरेट होती है वह फेवरेट ही होती है। बात की जाए फोर्थ नंबर की पोस्ट की तो वह है AFO यानी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की यह पोस्ट है। इसमें सैलरी की बात की जाए तो 30,000 से लेके 45,000 तक होती है, ध्यान सुन लीजिएगा, 30,000 से लेके 45,000 तक होती है। और इसका जो वर्क होता है वह किसान भाइयों को लोन देना तथा उनसे रिकवरी करना, यानी कि जो SBI का काम है वह इससे भी अभी करती है, उनको लोन देती है, उनसे रिकवरी करती है तथा उनको यह भी बताती है, यह मतलब इस पोस्ट वाले लोग यह भी जाके बताते हैं कि आपको ऐसा काम करना है, ऐसे पौधे लगाना, मतलब इसके बारे में आपको फुल डिटेल में देते हैं, इसीलिए आप लोगों की यह फेवरेट होनी चाहिए। और अप्लाई करना भी हो तो आप लोग अप्लाई करिएगा। अब बात आती है आप लोग के माइंड में कि अप्लाई कैसे करेंगे, हमको नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, जॉब नोटिफिकेशन, तो जॉब नोटिफिकेशन के लिए आप लोग इसी चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे जैसे नई नई जॉब आती है मैं हमेशा अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। अब बात की जाए फिफ्थ नंबर पर जो पोस्ट है AGT
ध्यान सुन लीजिएगा, ए जी टी यानी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट पोस्ट ट्रेनिंग की यह है। अब इसका जो यह पोस्ट है इसका क्या काम होता है और इसकी क्या सैलरी होती है, इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल में जानेंगे। तो यह जो ए जी टी पोस्ट होता है वह आई एफ सी ओ द्वारा आता है, यानी इफ्को द्वारा यह आता है। इफ्को क्या है, वह भारत सरकार की खाद्य विभाग होती है, या उसी खाद्य मतलब कि यह खाद्य विभाग की वैकेंसी है, खाद्य विभाग की यह वैकेंसी है। आप लोग इसे जरूर से जरूर अप्लाई करने के लिए एक बार माइंड में सोचिएगा, ठीक है। अब बात की जाए इसकी सैलरी की, तो इसकी जो सैलरी होती है 35K से लेके 40K तक होता है और इसमें ग्रेड पे भी मिलता है। तो आप लोग इस फॉर्म को एक बार जरूर अप्लाई करने के लिए सोचिएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एग्रीकल्चर से पढ़ाई करने वालों लोगों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।